फ्रैगेंटी को प्रमोट कर रहे हैं। वेरी गुड, टुडेज एग्जाम वेंट वेरी। देखिए आज मेरा एक मुझे एक मिल गया अपना दोस्त, बोला हाय हाय भाई। और ये है आर्ट्स फैकल्टी जो कि गुड मॉर्निंग। ये सुबह और आज का दिन है एग्जाम डे। एग्जाम डे तो हमेशा बहुत दिनों से हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज हम आपको आज का पूरा दिन दिखा देते हैं आप लोगों को कॉलेज में। इवन तो पूरा डे दिखा नहीं सकता क्योंकि आज बस एक ही एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम में क्लासेस हो नहीं रहे। पहले मिड से मैं एग्जाम के पैरेलल क्लासेस भी होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं दे आर कंडक्टिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का एक ही साथ एग्जाम करा रही, इसलिए मेरे ख्याल से क्लासेस ऑफ कर दी है। बस एग्जाम हो रहा है और हम लोग आ जा रहे अपने रूम में वापस, क्योंकि नेक्स्ट डे एकदम दे आर है पेपर। तो आज है हमारा ट्रांसफर और प्रॉपर्टी का पेपर एंड स्टिल वी आर रीडिंग। मेरा रूममेट तो बस पढ़ के चला गया फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। इसके बाद हम भी जाएंगे नहा के चलते हैं क्लासेस के लिए। बस उठे हैं हम लोग इसे 7 बजे मेरे ख्याल से उठे हैं, उसके बाद पढ़ी रहे 12 बजे एग्जाम है। एंड वी हैव टू रीड सो मेनी केसेस, सो मेनी थ्योरीज, बालों का हालत खराब। तो बस मिलते हैं, अभी निकलते हैं, आप फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं क्लासेस के लिए। बस आ जाएगी हमारी 11:30 बजे और हमें जल्दी रेडी होकर जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये आ गया मेरा रूममेट 100% की तेजी की तरह नहा के आ गया फ्रेश होके। अब इसको फिर जाना है रेडी होके, मुझे भी जल्दी जल्दी रेडी होना है। बड़ा खुश लग रहा है, पढ़ा है सारा रात। ना आके हो गया रेडी। आज क्या कौन सा पेपर है? बहुत ठंडा है ना। अर्जुन लोग पढ़ाई करके तैयारी से निकल के आ गए एग्जाम के लिए। तैयारी ये देखो, ये अभी तक पढ़ रहा है। ठीक है, ये है टॉपर, ये टॉपर क्लास का टॉपर है ये। हाँ, धर्मेंद्र कुमार रियली लगा था कि मेरा बस छूट जाएगा, लेकिन लकीली बस छूटा नहीं है। बस अभी भी बाकी है, सब यहाँ खड़े होकर पढ़ रहे। पता नहीं ये अर्जुन भी पढ़ रहे, सब मोबाइल फोन कॉपी से पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी दिया हुआ था वो, ये था उस टाइम पे जब ये केस फाइल हुआ था, तो जमींदारी प्रथा अबॉलिश नहीं हुई थी। ठीक है, वाइफ को एक पीस ऑफ लैंड दे रखा था कि उसमें से जितने भी तुम्हारे ट्रीज हैं उससे जो भी इनकम करनी होगी वो तुम उस ट्रीज को काट के अपना मेंटेनेंस लेते रहना। लेकिन हो रही हमारी आठ पहिए वाली झुक 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 करके आ गई हमें लेने के लिए फैकल्टी यानी कि कचहरी। तो सारी योद्धा तैयार लग गए अपने बस के ऊपर चढ़ने के लिए। बस अभी बड़ी आती है, पहले आती थी छोटी, तो हमें जगह नहीं होता था क्योंकि भगवान दास हॉस्टल में सारे लो फैकल्टी वाले स्टूडेंट लो फैकल्टी जाते थे, तो बहुत सारे सीट नहीं मिलती थी। तो बड़ी वाली बस आने लगी है, बस से हम गए बस में। अब मिलते हैं आपको फैकल्टी के अंदर। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने फैकल्टी यानी कि कचहरी, हम लोग प्यार से कचहरी बोलते हैं। तो बस अब हमें घुसना है क्योंकि एग्जाम का टाइम आ ही गया। हम लोग बस 11:30 बजे पहुंचे फैकल्टी। तो ये रही हमारी ब्यूटीफुल फैकल्टी जो आप देख पा रहे हैं, सारे स्टूडेंट यानी कि योद्धा आ जाए एग्जाम लिखने के लिए। मिलाते हैं आपको इनसे। क्या परीक्षा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, 1882 का पेपर है। और कैसी फटी पड़ी है? और आज ऐसी फटी पड़ी है, पूछिए मत। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आज TPA का पेपर है, एक ही क्वेश्चन पढ़े हैं। आए तीन क्वेश्चन है, कोई भी एक पूछा जा सकता है। पढ़े पढ़ाए क्यों, आए कुछ भी लिखना वही आंसर। ये देखो ये बच्चा पढ़ते हुए टॉप करेगा। क्या करेगा तुम? टॉप करेगा, टॉप करेगा। अनु बेस्ट ऑफ लक, बोलो थैंक यू। अच्छा देना, थैंक यू। देखो इस बच्चे को अब तक पढ़ रहे। अरे यार बेस्ट ऑफ लक,
ये रहा हमारा क्लासरूम जहाँ एग्जाम होने वाला है। अभी सारे स्टूडेंट्स आए नहीं हैं क्योंकि बस 12 बजने वाला है, टीचर्स आ जाएंगे अभी, स्टूडेंट्स भी आए। चलिए ये आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। ये देखो विद्यार्थी पढ़ते हुए। तैयारी कैसी है ये बता। पहली बार मैं विकास कर रहा हूँ लॉ के फील्ड में, मुझे लग रहा है पहली बार मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तीसरे सेमेस्टर में आने के बाद ऐसा लग रहा है। अच्छा, और आज कौन सा पेपर है? आज पेपर कौन सा है गुरु? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये देखो हमारी हालत, आज से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पता नहीं चल रहा। देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जी ए जुडिशरी का सब्जेक्ट है, इसको विद्यार्थियों को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी काम आएगा और आपके अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी काम आएगा। ये देखिए हमारा होना विद्यार्थी है, मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद। धन्यवाद आपको हमारे लॉ फैकल्टी को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैसा होगा एग्जाम अगर सेक्शन 13 आता है तो सही है, वरना पूरा पेपर खाली नाम लिख सर। अरे सेक्शन 13 पढ़ गए हम, पढ़ के आए हैं सेक्शन 5 और 6। ये तो गलत हो गया फिर। ए मेरे आगे बैठने वाले लड़का बताओ आज कैसा होगा एग्जाम? जो भी होगा भगवान भले के पास सब अच्छा होगा। अच्छा ये हमारे टॉपर है भाई, नीचे से पहला। तो बस एग्जाम स्टार्ट होने ही वाली है, तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, बताते हैं रिव्यू लेते हैं सबसे, इन भाई साहब से लेंगे, उन भाई साहब से लेंगे, सबसे पूछेंगे कि एग्जाम किसे हुआ। तो मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद। देखिए इन दोनों को एग्जाम के बाद कितने गहराई से डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हुआ पेपर, कैसे हुआ एग्जाम अर्जुन? अच्छा नहीं हुआ। एक कैसे हुआ अभिषेक एग्जाम कैसे हुआ? कोई क्वेश्चन पेपर दिखा? पूरा फाड़ दिया ना। बहुत चीज था भाई। अरे हम लोग जो पढ़े वो तो आया ही नहीं था। सोनू सच में अच्छा पढ़ा। सोनू पढ़ाया था तुमको? हाँ सेक्शन 5 पढ़ाया था। हाउ इज द एग्जाम? This is the face of a person who has studied whole night. This guy is the champion of our faculty. You are rogue, right? And he is discussing about what? Budget. Before examination, budget. After examination, we are about how is it going on with the budget. About what budget? You going to picnic? अरे सर बोलते हैं ना कि as a law graduates and law students we need to be aware about all facts and regarding all disciplines and principles. Right now Nirmala Sitharaman is budget analysis is an important part. Just talking about it, कि how is it going and what can be the things which would be affecting the upcoming economy and rest of the things. Oh my God, so these are the real lawyers who are growing up in the law faculty. We are just economists. Yeah, the future lawyers. Who are growing up and discussing budget from now only. That's nice. No, I have been discussing budget from last 5 to 6 years. Exactly. Before even I thought of coming into law, we were aware about. Every time I have been just continuously watching the finance minister giving the budget speech and then we. Boy, chale, idi kya hai? Bolo. Aaj ke Bengali bolo. Aaj ke. He ke bolbe. The way learning Bangla. Bolo. Bangla. Bangla bolo. I am trip to Bangla jal. Hindu law was not that good, but today's exam I am really more than happy. Which section you have written? I have written section 5, the meaning of transfer of property. However, I also knew the second question as well. I have also studied about the transfer to unborn child, but I was more confident with the case laws
बस चलो चलो बस में है, वही बस में चलो। देखो सानू बस भीड़ है, क्या है, बहुत बस में भीड़ है, हम लोग जा रहे हैं पैदल। बस में धक्का मुक्की हो रही है, बस छोटी है, जाना पड़ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, बड़ी बस चाहिए। मुझे यूनिवर्सिटी से ये निवेदन है, दरख्वास्त है कि लॉ फैकल्टी वालों को एक अलग से बस दिया जाए, क्योंकि लॉ फैकल्टी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास करने आते हैं। मुखर्जी को लेके आ जाओ हम लोग, बताओ मुखर्जी, हम लोग पैदल जाना पड़ रहा है, बताइए क्यों नहीं जाना चाहिए पैदल, आप ये बताइए। हमारे लिए बड़ा बस चाहिए, बोलो। बड़ा बस कितना बस देगा तुम्हें, अगर बड़ा बस वो, नहीं इंडियंस की यही तो दिक्कत है ना, कि एक बार अगर हमें हाथ पकड़ाते हैं तो हम मतलब छोटा सा कि कुछ भी देते हैं तो हम तुरंत पूरा का पूरा सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं। चलो आज फैकल्टी के अंदर अंदर से घूमते घूमते जाएंगे। ठीक है, बस सर्विस है, समय पे हमें सुबह मिल जाती है, कितना अच्छा है। अभी अगर उसमें भीड़ ज्यादा हो रही है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई समय पे वहाँ पहुँचना इतना जरूरी है नहीं। सुबह हमें कॉलेज में टाइम पे आना होता है, इसके लिए बहुत बड़ी। एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम वाज गुड ब्रो। गुड, कौन सा सेक्शन लिखा? सेक्शन 5 and 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चलिए हमारी बस हमें छोड़कर, क्योंकि बस है। ट्रांसफरेबिलिटी इज एक्सेप्शन। ओ हाँ, कहाँ बैठोगे? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये संस्कृत डिपार्टमेंट है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट है, क्योंकि बस छूट गई है तो पैदल जाना पड़ रहा है हम लोग को, तो ये इस डिपार्टमेंट से क्रॉस करना पड़ेगा। ये साइकिल स्टैंड है, संस्कृत डिपार्टमेंट। अच्छा हाँ, वो साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड में नहीं है डिपार्टमेंट का, विभाग विभाग संस्कृत विभाग। ओ ये है ज्योतिष विद्या, ये आई मीन एस्ट्रोलॉजी, भूत प्रेत नहीं, इसमें भूत प्रेत होते हैं। ये और ये एस्ट्रोलॉजी है, अब इसका ब्लॉग खराब कर रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है, खराब नहीं होगा, हम कर देंगे खराब। कैसे खराब करोगे? पीपल लाइक कमेंट। और ये है आर्ट्स फैकल्टी, जो कि काफी सुंदर है, वो भी आर्ट्स फैकल्टी है, लेकिन इसमें बहुत सारे लैंग्वेज। अरे ये राणा का माइक है। राणा ये तुम्हारा माइक है? राणा बोलो, ये तुम्हारा माइक है? ये इसका माइक है। ये है आर्ट्स फैकल्टी एंड सोशल साइंस फैकल्टी। अच्छा ये आर्ट्स फैकल्टी है और सोशल साइंस फैकल्टी उस साइड है। आप लोग सोशल आर्ट्स फैकल्टी में क्या कर रहे हैं? अरे हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल इसी तरह इसी रास्ते से, पैदल पैदल, मतलब बीच बीच रास्ते से। शॉर्टकट पड़ता है, टाइम थोड़ा कम लगता है, इसलिए हम लोग घर से जा रहे हैं घुस के। क्या बोले, क्लासेस आर्ट्स फैकल्टी की। ये है आर्ट्स फैकल्टी, किसने कहा आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ाई नहीं होती? देखिए यहाँ बच्चे धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं। तो एक साइड में सोशल साइंस डिपार्टमेंट, ये जो आप देख पा रही है सोशल साइंस फैकल्टी, यहाँ पे सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो एक ही कैंपस में यानी कि एक ही ग्राउंड में आपको दोनों फैकल्टीज मिल जाएंगी। देखिए ये है आर्ट्स फैकल्टी, आई थिंक सोशल साइंस फैकल्टी, उसकी ये है बिल्डिंग, उसके बगल में ये है आर्ट्स फैकल्टी। यहाँ देखिए बच्चे धूप में कितने मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस द नाइस, ये है बीएचयू का एक ब्यूटीनेस,
तो ये मुझे अच्छा लगा। इवन दो आर्ट्स फैकल्टी भी बहुत ही खूबसूरत है, अक्सर हम लोग यहाँ से गुजरा करते हैं, अपने हॉस्टल एंड फैकल्टी के बीच में पड़ जाता है, तो हम लोग घूमते घूमते चले जाते हैं। देखिए आज मेरा एक मुझे मिल गया अपना दोस्त, बोला हाय। हाय भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम चिरंजीव है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। हाँ ये है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, असम से हो? असम से है, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। ये रहता कौन सा हॉस्टल में रहते तुम? LBS। ये रहता LBS हॉस्टल। जैसे कि आप देखे थे एंट्री पॉइंट में, ये है साइंस एरिया, यहाँ पे सारे साइंस के सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं और साइंस वाले फैकल्टीज हैं। तो अब अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये साइंस वाले एरिया है, यहाँ पे सारे साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं। फिर अभी मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि राइट में अपने हॉस्टल चले जाएंगे, लेफ्ट में वापस फैकल्टी। ये एक चौराहा है, इस तरफ आपको ले जाएगी VT और दूसरी तरफ आपको साइंस फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी। उसके बाद ये सीधा जो ये आपको सोशल साइंस लेके जाएगी, उसके बाद ये आपको लेके जाएगी हमारी हॉस्टल, ऑल्सो हेल्थ ऑफिस। तो चलते हैं, वो रहा हमारा दोस्त लोग आगे जा रहे बड़ी तेज़ी से हमको छोड़ कर, तो उनको हमें करना है ज्वाइन। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने हॉस्टल, ये रहा पीछे हमारा हॉस्टल, बहुत दूर से बहुत दूर से पैदल चलने के बाद फाइनली सब कुछ थक गए हैं, हालत खराब हो गया है, कुछ खराब नहीं हुआ। हाँ सब भूखे प्यासे हैं। सबको भूख प्यास है, देखो पंखा अपने आप चल रही है हमारा, यहाँ पंखा अपने आप चल रही है। फाइनली आप हमारे हॉस्टल अपना सामने कहाँ जा रहे हैं, खाना खाना, चलो खाना बताओ किसको कैसा लग रहा है। फाइनली पहुंच गया, बताओ हाउ यू फीलिंग? बहुत अच्छा भाई, बहुत ही गंदा। सब जा रहे ऊपर, चलना पड़ेगा मुझे भी। भागो, ये राना मारेगा। बदमाशिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने रूम, पसीने लथपथ, सब कोई हालत खराब। अब तैयारी करना है कल के लिए, बताओ कल कौन सा एग्जाम है? एनवायरमेंट, जो सबको फाड़ने वाली है, जो मैं नहीं दे रहा, जो अभी अभी पता चला ये जा रहा है शादी में, अपने शादी में, अपने शादी में हमें नहीं बुला रहा है। चलो एनवायरमेंट का पेपर छोड़ो, छोड़ना है? नहीं हम पेपर नहीं छोड़ेंगे, हम देंगे पेपर। बेबी बता यार तुम्हें कैसा लग रहा है, थक गए आज जा रहे हैं खाना खाने। कितने मिनट था भाई? 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में पहुंचे हम लोग। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बोलो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और ये अंगूठा दे देना लाइक एंड सब्सक्राइब, तेज दबाना कि ये स्क्रीन फूट जानी चाहिए, मैं फूटी हुई स्क्रीन देखनी चाहिए। सुन लिया आपने? प्लीज सब्सक्राइब।